हेलो व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्सिंग एंड सेटअप मुकम्मल रिंग लाइट प्राइस एंड अदर्स। हम आज तो रिंग लाइट पे वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे रिंग लाइट की प्राइस क्या है, रिंग लाइट का अनबॉक्सिंग में हमें क्या मिलता है देखने पे, और इसका सेटअप कैसे होता है। और इससे पहले हमारा पार्टनर मोबाइल स्टोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट मोबाइल, स्मार्टफोन एंड मोबाइल एक्सेसरी रिलेटेड वीडियोस अनबॉक्सिंग मिलती रहे। अब हम जाते हैं, अनबॉक्स करते हैं और इसका सेटअप दिखाते हैं कि कैसे होता है। आइए जी व्यूअर्स, हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में अब अनबॉक्स करने के बाद क्या क्या मिलता है। ये रिंग लाइट बॉक्स है जिसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। ये फाइनली मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे इसमें ऐसे पैकिंग मिलती है। ओके, और पैकिंग में मुझे एक रिंग लाइट, वाओ, रिंग लाइट मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे पैकिंग में एक ये मिलता है, और इसका हम आगे सेटअप करेंगे तो ये किस काम आता है आपको भी नज़र आ जाएगा। और इसके साथ हमें ये मिलता है, और हमें ये चीज़ें हमें बुक्स में अनबुक्स करने के दरमियान हमें ये कुछ चंद चीज़ें मिलती हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, और इस पैकिंग को करते हैं साइड पे और आप स्टैंड की तरफ जाते हैं। हमें स्टैंड की बुकिंग में देखने को क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। हमें इस बुकिंग में एक शॉपर में मिला एक स्टैंड, ठीक है, जिसकी क्वालिटी मुझे तो बहुत बेहतर लग रही है। और ये हमारे पास एक स्टैंड मिला है, मुझे इसकी क्वालिटी बेहतर लग रही है। अब हम गाइस, हम आपको इसके साथ फिटिंग करके दिखाएंगे कि आप किस तरह इसके साथ फिटिंग कर सकते हैं। आइए हम फिट करते हैं और देखते हैं किस तरह फिटिंग करते हैं। तो हम फाइनली ये अब आपको इसकी सेटिंग सारी बताएंगे किस तरह सेटिंग की जाती है। तो इसको सबसे पहले आपने ऐसे खींचना है, ओके, ऐसे खींचना है, ओके, और इसको ऐसे ऐसे इसको खींचना है। खींचने के साथ पहले इस इन लॉक को अनलॉक करना है, डिले कर लेना है, ठीक है, और इसको देखना, फिर इसको खींचना है। आप जो साइज रखना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर लें। मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसका साइज बता देता हूँ, इसके लॉक कैसे खुलने हैं। बस इसको ढीला कर लेना है, और इसको ढीला कर लेना है, और करके फिर उसके बाद ये जो चीज़ है इसको इसको इन इन ये ऐसे ऐसे डली होती है, ऐसे आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में, ऐसे डली होती है। और ये देखें, इसको ऐसे खींचना, बाहर करना है तीनों को, ये देखें, ये देखें, अब तीनों बाहर हो जाएंगी। फिर इनको फिर यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से खोलना है ऐसे, ये देखें आप देख रहे होंगे, और फिर इसको खोल के जाना है, फिर इसको पकड़ के यहाँ से नीचे को कर देना है। ये देखो, ये स्टैंड हमारा पूरा खुल गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे। फिर इसको आपने नीचे की तरफ जाना है, रख देना है, और ये फाइनली इनकी ऊंचाई अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये होगी हमारी सेटिंग। अब हम इसके बाद हमारी कौन सी चीज़ रिंग लाइट से आपने उठानी है, उसके बाद आपने उठाना है ये चीज़, ये जो आपको नज़र आ रही है ये चीज़ उठानी है, ओके, उठा के इसको ढीला करना है, ढीला करके इसको दरमियान में कर लेना है, दरमियान में करके इसको टाइट कर देना है, ओके। और जो आपका ड्राई बोर्ड होगा, स्टैंड होगा, उसके ऊपर से एक ऐसी लगी होगी ये दिखाने के लिए कि ये किसी काम नहीं आती, कि ये न्यू है, आप इसको ओपन कर लेना है, ये ओपन कर ली, इसको साइड पे रख देना, ये किसी काम नहीं आती। इस पे आप इसको ऐसे रखें, ये देखें, ऐसे घुमाएंगे, ये इस यहाँ पे लग जाएगा, ओके, ये देखो अब ये फाइनली लग गया है। इसको आप ढीला करेंगे, इसको बराबर रख के टाइट कर देंगे, ये देखें, ये हमारा सेटअप हो गया। ये किस काम आता है बाद में बताऊंगा। अब हम फाइनली जाएंगे अपनी रिंग लाइट की तरफ।
अब हम रिंग लाइट लेंगे और रिंग लाइट को लेके उसको बताएंगे कि आपको किस तरह फिट की जाती है। ओके, और रिंग लाइट हमने ले ली, ये देखिए रिंग लाइट आ गई हमारे पास, ठीक है। और अभी हम रिंग लाइट को यहाँ पे ये जो पेच है, ओके ये जो पेच है, ओके इस पे हमने रखे, इस पेच पे रखे, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इसको ऐसे घुमाना है। जहाँ पर घुमाएंगे जिस तरह नीचे घुमाया था, तो जैसे ही इसको घुमाएंगे ये यहाँ पे फिट नहीं होने, पेच लगने शुरू हो जाएंगे। अपने हिसाब से आप जहाँ पे रखे इसको रखना चाहते हो रख लें। एक एग्जांपल के तौर पे अब आप करके इसको ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा मसला है वो है हमारा, हम दिखाते हैं आपको। अब हम इसको मुकम्मल सेटअप कर लिया है। अब सेटअप करने के बाद हमें पड़ेगी इसकी ज़रूरत जो मैंने पहले आपको दिखाया था। अब हम इसको यहाँ पे पेच लगा देंगे, ओके। अब हमने यहाँ पे लगा के इसको फुल टाइट कर देना है। जब फुल टाइट हो जाएगा फिर इसको हमने, अब जो लास्ट है हमारी, इसको लेना है। हमने आपको सब ये चीज़ें पहले दिखा दी थी, पर फिर इसके पेच ये खोलने हैं आपने। ये खोलने के बाद फिर आपने इसको इसको इसके अंदर डालना है, ऐसे डाल देना है। फिर उसको ऐसे यहाँ पे लगा देना है, लगा के फिर इसको उठाना है ऊपर, और ऊपर पेजों पे इसको दोबारा से टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना, बट टाइट कर देना। ये देखिए हमारा रिंग लाइट सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें मोबाइल लगाना होगा और आपको दिखाएंगे कि मोबाइल लगा के कैसे मोबाइल सेट होता है। ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इसको हम लगाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे सेटअप होता है। आप टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए आपने मोबाइल यहाँ पे रखना है, ओके। इसको ऐसे प्रेस करना है और इसको ऐसे छोड़ देना है, और अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लें कि आपने नीचे करना है ऊपर करना है, जैसे आपको बेहतर लगे अपने हिसाब से कर लें। ये फाइनली हो गया, ओके ये सेटअप हो गया, आपके सामने आ गया है। आपने यहाँ पे खड़े होना है, खड़े होकर वीडियोस बनानी है और एंजॉय करना है। अब हम आपको रिंग लाइट को ऑन करके भी दिखा देते हैं कि उसकी प्रॉब्लम ऑन करने के लिए आपको जो इस वायर को खोलना होगा, क्योंकि इसका लेंथ काफ़ी अच्छी है। आजकल जो आ रही है उनकी लेंथ नहीं है, और अगर आप देख लीजिएगा शायद आपने लिया सेटअप कर रहे हैं उसकी लेंथ नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी में ये देखें हमारे पास अगर आप, और उसके बाद आपने ये यूएसपी अपने किसी भी चार्जर अडाप्टर में लगानी है, उसके बाद इसके आपको मिलेंगे तीन ऑप्शंस। ये तीन ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा प्लस माइनस एंड रेड पावर ऑफ, यानी कि रेड का काम करेगा पावर ऑन और ऑफ का, और इसके अलावा दरमियान में बटन होगा वो काम करेगा आपका लाइट का कलर चेंज करने में, और जो माइनस का निशान होगा कम करेगा, प्लस का ज्यादा करेगा। हम आइए आपको इसके साथ लगा के ऑन करके दिखाते हैं। फाइनली हमने पावर ऑन कर ली है। अब पावर ऑन करने के बाद आपका एक ब्लू कलर की लाइट शो करेगी इसमें, इसके रिमोट में, ठीक है। ब्लू का मतलब है आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो। मैं इसको प्रेस करूंगा ब्लू बटन को तो ये ऑन हो जाएगी, ये देखो ऑन हो गई है, ओके। अब इसके कलर दिए हुए हैं उन्होंने कलर चेंज करने के लिए, कि आप इन दो बटनों से एक दरमियान वाले बटन से कलर चेंज कर सकते हो। ये गोल्ड, वाइट, हाफ वाइट, वाइट, ये आप जो आप रखना चाहते हैं वो एडजस्टमेंट कर लें। उसके बाद आपको ये एक प्लस का बटन मिलेगा और एक माइनस का मिलेगा। माइनस से यानी कि माइनस का बटन में दबाएंगे तो इसकी रोशनी कम होनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह आप देख रहे हैं कम से कम इतनी लो हो जाएगी, ओके। और प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो हाई होना शुरू हो जाएगी, और कम से कम इतनी हाई हो जाएगी, ओके। ये रिंग लाइट और ये इसका सेटअप है जो मैंने आपको दिखाया है। आई होप आपको हमारा ये अनबॉक्सिंग एंड सेटअप समझ आ गया होगा, और हमारी वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें,
जरूर करें लाइक। और अगर आप इस रील लाइट के मुताबिक कोई कमेंट्स पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे जा कमेंट्स बुक्स में आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। और इसके अलावा हमारा जो पाकटाल मोबाइल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। और जो ये एक हम कोरोना से सेटअप रखे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकॉन प्रेस करेगा, और इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट्स में जाकर कुछ कमेंट्स करेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर में जाकर हमें फॉलो करेगा, तो हाँ टिकटॉक में भी जाके अगर हमें फॉलो करेगा, तो हम उसको वीवो का एक टच मोबाइल बिल्कुल फ्री हो देंगे। हो सकता है वो खुशकिस्मत हाँ आप हो, तो इससे पहले हमारा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। अपना लोगों ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो मिलती है अपने, उस में इजाजत, गुड बाय।